गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर फर्स्ट इंग्लिश क्लास फॉर द वीक। नाउ टुडे वी विल बी डूइंग आवर बुक वर्क इन विच वी विल बी डूइंग अ लिटिल रिकैप्चुलेशंस। रिकैप्चुलेशन का मतलब है कि हम रिवाइज करेंगे वो वाला काम जो हमने पहले किया था। नाउ टेक आउट योर इंग्लिश बुक इफ़ यू हैवंट टेक इट आउट। ठीक है, अपनी इंग्लिश की बुक निकाल लें अगर आपने नहीं निकाली। फर्स्ट मैं आपको बताऊँगी हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। हमने अब तक लेटर्स पढ़े हैं, थोड़ी सी ट्रेसिंग की थी, फिर उसके बाद हमने लेटर्स पढ़े हैं। लेटर ए हमने पढ़ा था कि कैसे ये स्काई, ग्रास और रूट लेटर में चेंज होते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि ये डिफरेंट लेटर्स डिफरेंट पार्ट्स में आते हैं, जैसे कि स्काई लेटर, ग्रास लेटर और रूट लेटर। हमने अब तक सी तक सारा काम कंप्लीट किया हुआ है। कुछ यहाँ पे कलरिंग और कुछ एक्सरसाइजेस ए बी सी से रिलेटेड की हुई थी। लास्ट टाइम हमने किया था बुक पेज नंबर 16, जिसमें हमने डी पढ़ा था। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि लेटर्स आप डिफ़ाइन करते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से जब आप बताते हैं कि ये स्काई लेटर है या ग्रास लेटर है या रूट लेटर है। स्काई लेटर, ग्रास लेटर और रूट लेटर्स आपको तब काम आते हैं जब आप कॉपी में अपना वर्क शुरू करते हैं। आपको याद आता है आप ए लिख रहे हैं, आपको याद आता है ए तो टू लाइंस में आता है। जब आप अपनी कॉपी खोलेंगे, जैसे कि ये मेरे पास आपकी कॉपी है, तो जब आप कभी ए लिखेंगे तो आपको याद आएगा यस ए इज़ अ ग्रास लेटर। ग्रास लेटर हमेशा टू लाइंस में आता है और वो भी सेंटर की। ठीक है, ये सारे ग्रास लेटर्स हैं। इसी तरह जो स्काई लेटर्स हैं वो आते हैं ऊपर की थ्री लाइंस में, जैसे कि बी और डी ऊपर की थ्री लाइंस में आ रहे हैं, 1 2 3। इसी तरह एफ़ है, इसी तरह एच है, के है, ये आप आगे पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं बुक पेज नंबर 16, जिस पे हमारा डी लिखा था। मैंने आपको समझाया था ड डक होता है, ड डॉग होता है और ड डॉल होता है। यहाँ पे हमने डी की राइटिंग भी की थी। ठीक है, आई होप आप सबको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। नाउ आपने क्या करना है, आपने करना है ये कि आपने बुक पेज नंबर 17 निकालना है। ठीक है, जिस पे हमारी राइटिंग पैटर्न होती है, उसमें आपने करना था कि आप सबसे टॉप पे लिखेंगे क्लास वर्क। क्या लिखेंगे? सी डॉट डब्ल्यू और साथ में डेट। आज की डेट है 20th जुलाई 2020। नाउ इस पिक्चर का मतलब आपको मैंने पहले भी समझाया था, अब मैं आपको फिर समझा रही हूँ। यहाँ पे स्काई बना हुआ है, ये ग्रास को डिनोट करता है और ये ग्रास लेटर्स या रूट लेटर्स को डिनोट करता है। ग्रास लेटर्स ये हैं, ये रूट लेटर्स हैं। जो वर्ड्स, जो अल्फ़ाबेट्स ब्लू कलर से लिखे जाते हैं, ब्लू कलर से लिखे जाते हैं, जो ऊपर की थ्री लाइंस में होते हैं, हम उनको कहते हैं स्काई लेटर्स। उनके लिए हम क्लाउड्स बनाते हैं ताकि वो हमें पता लगे वो स्काई लेटर है। जो अल्फ़ाबेट ग्रीन से लिखे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है ये सी, जो सेंटर की टू लाइंस में आ रहे हैं, ना ऊपर वाली लाइन को टच करते हैं ना नीचे वाली लाइन को टच करते हैं, उसमें सी आ रहा है। ठीक है, और ए भी आ रहा है। अब हमारे पास है डी। डी क्या है? स्काई लेटर्स। आपकी रिकैप्चुलेशन ख़त्म हो गई, अब आपने क्या करना है, आपने अपना काम करना है। ठीक है, यू हैव टू राइट फर्स्ट अ स्ट्रेट लाइन इन थ्री, आपने थ्री लाइन्स में एक स्ट्रेट लाइन लगाई, 1 2 3, और एक सेमी सर्कल जैसे आपने सी का बनाया था आपने डी के लिए भी बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगेन आप करेंगे एक स्ट्रेट लाइन थ्री लाइंस में और एक डी। मैं आपको बार बार ये चीज़ समझाती हूँ, मेरे आगे फ़ोन होता है। आपने क्या करना है, आपने अपना काम बहुत ही कीन होकर करना है, आपने गौर से देखना है कि मेरे डॉट्स कहाँ लगे हुए हैं, मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ना देखूँ कि आपने कोई भी लाइन गलत लगाई हो। ठीक है, नाउ कम टू
द सेकेंड लाइन जिस पे आपने सबसे पहले इस तरह डॉट लगाना है ताकि आपके लिए लाइन लगाना इजी हो जाए। नेक्स्ट आप उसका एक सेमी सर्कल बनाएंगे, ठीक है। अगेन मेक अ प्रॉपर लाइन डी, अगेन मेक अ प्रॉपर लाइन एंड देन डी, प्रॉपर लाइन एंड देन डी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों के लिए भी, तो आपने क्या करना है, आपने डॉट्स लगाने हैं बच्चों के लिए अगर उनको सही से नहीं आ रहा, ताकि वो अपना काम अच्छे तरीके से करें, ठीक है। नाउ आपने यहाँ पे डॉट्स लगाए, ठीक है, और अपने बच्चों को देना है ताकि वो अपना काम प्रॉपरली फिनिश करें। आपने ये पेज फिनिश करना है, ये पेज नंबर 17 है, ठीक है। क्योंकि पेज नंबर 18 बुक पे करने वाली एक्सरसाइज है, ये हम स्किप कर रहे हैं, ये हम क्लास में करेंगे। आप इसके ऊपर स्किप अभी लिख लें, ठीक है, स्किप की स्पेलिंग देख लें। आपने स्किप लिख लिया, फिर आपने क्या करना है, पेज टर्न करना है। आपने डी पढ़ लिया था, अब आप मेरे साथ डी से नेक्स्ट अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे, जो कि है, आपने बुक पेज नंबर 20 निकाल लिया, ऊपर सी डॉट डब्ल्यू, जैसा कि आप हमेशा अपना काम करते हैं, और डेट आज की जो कि है 20, सेवन लिख लिया आपने डैश 20। अब आपने क्या करना है, आपने नए लेटर को पढ़ना है, ये है हमारे पास ई, ये क्या है हमारे पास ई, ई का साउंड है ए, ई का साउंड क्या है ए। आपने पहले एक डॉट से शुरू करना है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जब आप स्ट्रेट लाइन लगा लें तो फिर उसके बाद आपने इसको राउंड लेके जाना है, जैसे आप सी को लेके जाते हैं, और स्टॉप, ये क्या हो गया आपका ई, ई सेज ए, एनी अपल सेज ए, एनी अपल और ई के साउंड में बहुत थोड़ा फ़र्क है, एनी अपल सेज एप्पल, और यहाँ पे ई सेज ए, ए एग, ए ईयर, ए एग प्लांट, ए एल्बो, ए एग, ए ईयर, ई एग प्लांट, ई एल्बो, ई एग, ई ईयर, ई एग प्लांट, ई एल्बो। अब आपने क्या करना है, आपने इस ई को लिखना भी है, ठीक है, इसकी राइटिंग भी करनी है, और जब आप इसको लिख लें सारा, देन आपने नेक्स्ट पेज पे इसकी राइटिंग एज अ होमवर्क करनी है, वो आपका होमवर्क पेज है, ठीक है। नाउ लेट्स डू द साउंड्स प्रैक्टिस, साउंड प्रैक्टिस करते हैं हम। एनी अपल सेज ए, बाउंसी बेन सेज ब, क्लेवर कैट सेज ख, डिपी डक सेज ड, एडी एलिफेंट यानी ई सेज ए, ए एग, ए ईयर, ए एग प्लांट, ए एल्बो। आप इसको ऐसी तरह भी पढ़ सकते हैं, ई एग, ई ईयर, ई एग प्लांट, ई एल्बो। लेकिन जब आप इसको वर्ड्स में यूज करते हैं इसका साउंड बन जाता है ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पे आपकी ट्रेसिंग है, राइटिंग है। आपने ऊपर अगेन होमवर्क जो आपको मैं टास्क दे रही हूँ, डेट आपने लिख ली, ठीक है, और बैठ के अपना काम खुद ही करना है। आपने देखा था कि डी हमारे पास ब्लू कलर से लिखा हुआ था, ई अगेन एक ग्रास लेटर है, ग्रास कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का, तो यहाँ पे ग्रीन कलर में ये टू लाइंस शामिल होती है, मिड की टू लाइंस शामिल होती है,
आपने देखा कि आपने इस ग्रीन कलर में लिखना है ई। ई पहले एक स्ट्रेट लाइन, फिर उसको सर्कल, अगेन एक स्ट्रेट लाइन, उसको सर्कल, एक स्ट्रेट लाइन, देन अगेन सर्कल। आई होप आप सबको अपना काम समझ में आया होगा। जब आप ये होमवर्क कर लें तो आपने क्या करना है, अपनी बुक को अच्छे से साफ करके बंद कर देना है, ठीक है। नाउ आपने आज के लिए जो काम करना है वो है डीपी डक वाला पेज, ठीक है, डक। फिर आपने इस पेज पे स्किप लिखना है, ठीक है, स्किप लिख लिया आपने। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। इस पेज की आपको रीडिंग भी करनी है, नीचे राइटिंग भी करनी है, और नेक्स्ट पेज आपका होमवर्क में जा रहा है जो कि आपने खुद ही फिनिश करना है, ठीक है। ये आपका एडी एलिफेंट वाला पेज होगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।